नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। पुलिस अधीक्षक के जनदर्शन में 12 शिकायतों का हुआ निराकरण, कुल 17 शिकायत प्राप्त हुए। पुलिस अधीक्षक कोरबा भोजराम पटेल द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जनदर्शन लगाया गया। जनदर्शन में 12 लिखित व 5 मौखिक शिकायतें प्राप्त हुई, जिनकी सुनवाई करते हुए भोजराम पटेल द्वारा 5 मौखिक शिकायतों को तत्काल निराकृत किया गया। साथ ही 12 लिखित शिकायतों में से 7 शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया गया। 5 लिखित शिकायतों को जांच के लिए संबंधित थाना चौकी भेजा गया है। मौखिक शिकायतों का 100% निराकरण किया गया। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार कोरबा जिले में पुलिस अधीक्षक कोरबा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, नगर पुलिस अधीक्षक एवं अन्य राजपत्रित अधिकारियों द्वारा रोस्टर के अनुसार जनदर्शन लगाकर आम जनता की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। इसी का परिणाम है कि अब जनदर्शन में बहुत कम शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। पुलिस द्वारा लगाए जा रहे जनदर्शन का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। शिकायतों के त्वरित निराकरण से शिकायतकर्ता संतुष्ट हो रहे हैं। आज लगभग अभी तक हम लोगों को 16 शिकायतें आई थी। इसमें 3 जो शिकायतें थी जमीन संबंधी था और 2 फैमिली रिलेटेड था, और उसके बाद बाकी लगभग पुलिस से संबंधित था, जिसमें पुलिस संबंधी केस थे। उसमें लगभग सभी चीज़ों की शिकायतों को यहाँ पर सुना। जमीन संबंधी जो इश्यूज थे उसमें मैंने अलग से उसको पढ़ने के लिए दिया है, ताकि जमीन संबंधी शिकायतों पर समाधान कर सके। लेकिन जो पुलिस रिलेटेड जितनी भी शिकायतें थी उसका समाधान यहीं पर हो गया है। परिवार संबंधी जो शिकायतें थी उसको हम लोगों ने कोर्ट जाने की सलाह दी है पुलिस महिला सहायता केंद्र में। इसके साथ ही साथ एक समाज से संबंधित शिकायत आई थी, तो हम लोगों ने समाज प्रमुखों से बातचीत किया है और उन लोगों को कहा है कि आप लोग आपस में बैठ करके समस्याओं का यहाँ पर समाधान कर लीजिए, क्योंकि सामाजिक चीजों का समाधान समाज स्तर पर रहेगा तो बेहतर परिणाम प्राप्त होगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। जिले में अब तक 1,92,000 क्विंटल से अधिक धान की हुई खरीदी। 14 दिसंबर के लिए 981 किसानों ने कटाया टोकन। खरीदा जाएगा 39,000 क्विंटल से अधिक धान। कोरबा जिले में 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जा रही है। जिले के 54 उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी जारी है। जिले के किसानों से अब तक 1,92,163 क्विंटल धान सरकारी समितियों द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीदा जा चुका है। कोरबा जिले में धान खरीदी को लेकर किसानों में अच्छा उत्साह है। किसान अपनी मेहनत से खेतों में उगाए धान को ट्रैक्टर, ट्रॉलियों, पिकअप, बैलगाड़ी के साथ साथ बाइक पर भी धान खरीदी केंद्रों तक ला रहे हैं। जिले के 54 धान खरीदी केंद्रों में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की अभी व्यवस्थाओं से किसानों में धान बेचने के लिए खासा उत्साह है। जिले में 13 दिसंबर तक 1,92,163 क्विंटल धान खरीदा जा चुका है। इसमें 1,77,119 क्विंटल 20 किलो मोटा और 14,999 क्विंटल 60 किलो सरना और 44 क्विंटल 80 किलो पतला धान शामिल है। जिले में 14 दिसंबर को धान बेचने के लिए 981 किसानों को टोकन जारी किए गए हैं। इन किसानों से लगभग 39,332 क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। रामपुर पुलिस चौकी के खरमोरा अटल आवास में गुंडा बदमाश अमित सोनी की सुबह सड़क पर लाश मिली। उसकी हत्या किसी के द्वारा कर दी गई थी। सूचना के बाद मौके पर पुलिस अमला पहुंचा। खोजी डॉग बागा को भी मौके पर बुलाया गया। डॉग स्क्वाड ने बागा की मदद से अज्ञात हत्यारों का सुराग तलाशने की कोशिश शुरू कर दी और चंद मिनटों में ही सफलता भी हाथ लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बाघा सीधे हत्यारे के घर जा पहुंचा। लोग तब हैरत में पड़ गए जब मालूम हुआ कि अमित सोनी को उसकी साली और सास ने ही मारा था। बाघा सीधे साली के घर जा घुसा। बताया जा रहा है कि अमित की बुरी नजर साली पर थी, इसी कारण से विवाद में सास और साली के हाथों मर्डर हो गया। बहरहाल अमित की सनसनीखेज हत्या का मामला सुलझ जाने से पुलिस ने राहत की सांस ली है। विशेष योग्यता रखने वाले बाघा की काबिलियत एक बार फिर देखने को मिली। जो मृतक अमित सोनी है, वो जो रात 10-10:30 बजे के लगभग उसके ससुराल घर के पास उसकी जो पत्नी है, वो 7-8 माह पूर्व से किसी के साथ थक गई। इसी बात को लेकर उन्होंने शराब की नशे में गाली गलौज कर रहा था और अभद्र व्यवहार कर रहा था। इसी दौरान उसकी सास और उसकी जो बेटी है, तो दोनों मिलके उसके कुछ डंडों से मारपीट किए। इसी दौरान मारपीट करके उन्होंने घर चल दिया और रात में वहीं छोड़ दिया था।
हो सकता है कि रात के अकड़न में ठंडी की वजह से उसमें कम हो। पूछताछ में वही कि उसकी पत्नी जो 7-8 माह पूर्व जो भग गई है उसी को लेके विवाद कर रहा था, गाली गलौज कर रहा था, इसी बीच इन्होंने मारपीट हुई है। ये विवेचना की बात है, बुरी नज़र थी नहीं थी वो तो नहीं बोल सकते, लेकिन अभी वर्तमान में जो मारपीट हुआ है उसकी जो पत्नी भग गई है उसी बात को लेकर गाली गलौज और मारपीट हुई। हमारे जो डॉग स्क्वाड है बाघा, उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग रहा है पूर्व में भी और अभी भी, जो प्रथम दृष्टया जो उनके जो स्मेल से पकड़ने में कामयाब। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, टूरिज्म पैकेज इंडिया एंड एब्रॉड, क्लबिंग फैसिलिटीज, रियल एस्टेट, visa for tourist places in other country and 3-star to 5-star hotel facilities, good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international visa services, passport services. Contact us Anup Shukla 9554967885. Visit our office, शॉप नंबर FF3 FF4, फर्स्ट फ्लोर, सिटी सेंटर मॉल, पावर हाउस रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। शादी हो, सगाई हो, बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी, खुशियां मनाने के लिए बस एक ही नाम, मेहर वाटिका। बड़ा जगह, छोटे बजट में सभी मांगलिक कार्यों की उत्तम व्यवस्था, एक ही जगह पर कैटरिंग सुविधा, आकर्षक लाइटनिंग, आकर्षक फ्लावर डेकोरेशन, आधुनिक साज सज्जा के साथ मेहर वाटिका। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता मेहर वाटिका, दुर्पा रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9827162247, 9827162131। NXT Digital New MPEG 4 box जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट, नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में। दर्री जमनीपाली, जेलगांव, सीएसई बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लभ, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 7869222258। NXT Digital New MPEG 4 box जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544783888188144018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। ₹1250 का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र ₹500 में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिम सैटेलाइट एंड केबल टीवी, मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा नगर पालिक निगम के महापौर राजकिशोर प्रसाद ने बाल्को नगर जोन के वार्डों का किया निरीक्षण। निगम के वार्ड नंबर 37 डुग्गुपारा में सड़क और नाली निर्माण को लेकर किया दौरा।
अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सिविक सेंटर के सामने गार्डन का जीर्णोद्धार का कार्य बालको प्रबंधन द्वारा कराया जा रहा है, उसका भी निरीक्षण किया गया। वार्ड वासियों की समस्याओं को सुनकर जल्द समाधान के निर्देश अधिकारियों को दिए। पहले तुमने वार्ड नंबर 37 डुगुपारा में सड़क और नाली जो नहीं बनी है, कुछ विस्तारित बस्तियां हैं जहां अप्रोच नहीं है, उसका हमने भ्रमण किया है। 36 नंबर वार्ड में भी भ्रमण किया है और भी सिविक सेंटर के सामने जो बालको प्रशासन को का जो पुराना गार्डन है जो अभी अनयूज पड़ा हुआ था, उसके लिए हमने पिछले दौरे में उनको निर्देशित किया था कि इस गार्डन को डेवलप करें और लोगों के लिए इसको उपयोग में लाने की स्थिति में लाएँ। तो उसका भी बालको प्रशासन की तरफ से इसमें उद्यान का नवीनीकरण का काम किया जा रहा है। तो इसको भी हमने अभी देखा है, हमारे साथ निगम के बालको जोन के ई और बिजली विभाग के भी ई दोनों हैं। तो यहाँ पर बालको की तरफ से क्या HR एक्सटर्नल अफेयर्स के HR मिश्रा जी हैं और उनके और भी असिस्टेंट जो भी हैं, तो इनको हमने उचित दिशा निर्देश दिया है। और इस गार्डन के अंतर्गत जो पाथवे है, विभिन्न कंक्रीट के बेंचेज रहेंगे, झूला, फिसल पट्टी, टॉयलेट व्यवस्था, एक कॉर्नर पे छोटा सा क्या नाम है किचन जिसमें कॉफ़ी वगैरह चाय वगैरह का अरेंजमेंट है, ऐसा कॉर्नर पे बनाने के लिए इनको बोला गया है। और साथ में इसमें लाइटिंग का भी अच्छा इंतजाम करने के लिए इनको निर्देशित किया गया है और काम चल ही रहा है। अब इनको और बोले कि जल्दी से स्पीडअप करके जल्द से जल्द इसको कम्प्लीट करें ताकि लोगों के लिए इसको हम उपयोग में ला सकें। और साथ में जो इसका पुराना फेंसिंग बाउंड्री वॉल टूट गया था, उसके लिए भी नया फेंसिंग चैन लिंक फेंसिंग का काम भी चल रहा है, इन्हें पोल गाड़ दिया हुआ है, तो ये सुरक्षित भी रहेगा और तीन तरफ से गेट रहेगा। लोग यहाँ पर क्योंकि बहुत बड़ा गार्डन है और ये ऑक्सीजोन के रूप में भी चारों तरफ झाड़ वगैरह हैं, तो बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य के लिए भी ये हितकर होगा। इसके पश्चात अपन अभी 35 नंबर वार्ड में भी कुछ और साइडों को भी निरीक्षण करेंगे। तो इस तरह से जनता के उपयोग में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए जो भी विकास कार्य जो निगम से संभव हो सकेगा उसको निगम से कराएंगे और बालको जो यहाँ का मेन औद्योगिक संस्थान है उसको भी बोल करके जो भी कार्य होगा उसको कराने के लिए हम लोग तैयार हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के कनकी गांव में बन रहा सड़क लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। सड़क निर्माण कार्य कछुआ गति से चल रहा है। ग्रामीणों का कहना है बहुत दिनों से सड़क निर्माण का कार्य हो रहा है, धीमी गति से काम चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ धान खरीदी चल रही है। ग्रामीणों को सड़क निर्माण की वजह से घूमकर जाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है सड़क निर्माण का कार्य तेजी से कराया जाए। धान मंडी ले जाने में भी बहुत दिक्कत जा रहा है, कम से कम 2-3 किलोमीटर घूम के जाना पड़ रहा है हम लोग को, क्योंकि ये रास्ता बंद कर दिए हैं। बस्ती वाला जो रास्ता है सकरा है, उसमें से गाड़ी घुसती नहीं है ट्रैक्टर। अभी 8 दिन हो गया है, 8 दिन में 40-45 मीटर क्या होना चाहिए, मतलब काम थोड़ा फास्ट करे और ढंग से करे ताकि लोगों को सुविधा हो। तो ये तो ऐसे में 6 महीना लगेगा इसको काम करने में, 6 महीना में तो फिर परेशानी हो जाएगा पूरा हम लोग के लिए। लापरवाही हो रहा है, मतलब सीधा सीधा ठेकेदार की सबकी लापरवाही है। वो तो काम तो चल रहा है सही, लेकिन काम धीमी गति से चल रहा है। बस्ती वाले लोग बोल रहे हैं कि उसको चैनल वाला मशीन लाए, एक दिन में कम से 100 मीटर ढलाई करे, 100 से 200 मीटर। और क्या है, 7 दिन हो गया, 7 दिन में 50 मीटर ढलाई नहीं करके दिए इन लोग। हम लोगों को आने जाने के लिए परेशानी हो रहा है, 2 किलोमीटर घूम के जाना पड़ते, वो मैं गाड़ी घोड़ा चल नहीं पाए। किसान आदमी धान लाए ले जाए, वो परेशानी होते। अभी ये काम को थोड़ा स्पीड आज से बढ़ाएंगे बोल रहे हैं, लेबर उबर लगाएंगे, लेकिन हम लोग बोलना चाहते हैं उसको चैनल से करे, मिलर से माल आए या तो यही माल बला रहा है, एक ठो मशीन है तो उसमें लेट हो रहा है, पानी जा रहा है। मिलर में माल आएगा तो कम से कम 100 मीटर जाएगा, चैनल से ढलाई होगा तो उसका वाइब्रेट भी अच्छा चलेगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। हरदी बाजार कन्या छात्रावास में छात्रा की अचानक बिगड़ी तबियत। बीएससी प्रथम वर्ष की छात्रा कुमारी अंशु खुशरो की अचानक तबियत बिगड़ी। आनन फानन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती। विभाग को मामले की करनी चाहिए जांच। पाली ब्लॉक के ग्राम हरदी बाजार के पोस्ट एवं
प्रीमेट्रिक कन्या छात्रावास में बीएससी प्रथम वर्ष की छात्रा कुमारी अंशु खुसरो की अचानक तबियत बिगड़ी। उपचार के लिए आनन-फानन में लाया गया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरदी बाजार। छात्रा को सांस लेने में हो रही थी काफी तकलीफ, तत्काल गंभीर हालत में कराया गया भर्ती। महिला सुरक्षा गार्ड व कुछ स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल अंशु को डॉक्टर एएन कंवर के द्वारा प्राथमिक उपचार करने के बाद अंशु खुसरो की तबियत में सुधार आई। छात्रा की सुधार के लिए रात भर रखा गया भर्ती, सुबह ठीक होने के बाद दिया छुट्टी। आखिर यह कैसे हुआ, यह क्या कारण हो सकता है जो इस तरह से अचानक तबियत खराब हुई? लोगों का मानना है पोस्ट एवं प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास में खाने पीने के साथ साथ और अन्य कामकाजी में भी अनियमितता बरती जा रही है। यहाँ कोई देखरेख करने वाला नहीं है, केवल छात्रावास अधीक्षक के ही भरोसे चलाया जा रहा है। 100 सीटों का यह छात्रावास कन्या छात्रावास होने की वजह से जनप्रतिनिधि भी वहां जा नहीं सकते हैं। यही वजह है कि अधीक्षक अंकिता सिंह अपनी मनमानी तौर पर कामकाज कर रही हैं। ऐसा लगता है कि खाने पीने की चीजों में भी लापरवाही बढ़ती जा रही है। एक कन्या छात्रावास अधिव्यार की थी, इसको छात्रावास वाले कर्मचारी लाए थे, उस समय उसको सांस लेने में तकलीफ था, थोड़ा छटपटा रही थी, तो उसको हम लोग भर्ती किए। उसका पूरा बीमारी का पता लग नहीं पाया, पर हम लोग प्राथमिक उपचार किए, ऑक्सीजन लगाए, आईवी फ्लूड दिए और उसको इलाज के लिए और ज़रूरत है उसको, क्योंकि एक दो बार और ये घटना हो चुकी है। उपचारित थे उसको, खुद रात भर रुके थे, सुबह डिस्चार्ज कर दिया, एकदम ठीक है अभी, पर उसको एक बार और इलाज करने की जरूरत है उसको। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, टूरिज्म पैकेज इंडिया एंड एब्रोड क्लबिंग फैसिलिटीज, रियल एस्टेट, वीजा फॉर टूरिस्ट प्लेसेस इन अदर कंट्री एंड 3-star to 5-star होटल फैसिलिटीज, गुड मेंबरशिप पैकेज, हनीमून पैकेज, हॉलीडे पैकेज इंडिया एंड इंटरनेशनल, वीजा सर्विसेज, पासपोर्ट सर्विसेज। कॉन्टेक्ट अस अनुप शुक्ला 9554967885। विजिट अवर ऑफिस, शॉप नंबर FF3 FF4, फर्स्ट फ्लोर, सिटी सेंटर मॉल, पावर हाउस रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। शादी हो, सगाई हो, बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी, खुशियां मनाने के लिए बस एक ही नाम, मेहर वाटिका। बड़ा जगह, छोटे बजट में सभी मांगलिक कार्यों की उत्तम व्यवस्था, एक ही जगह पर कैटरिंग सुविधा, आकर्षक लाइटनिंग, आकर्षक फ्लावर डेकोरेशन, आधुनिक साज सज्जा के साथ मेहर वाटिका। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता मेहर वाटिका, दुर्पा रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9827162247, 9827162131। NXT is the new MPEG 4box, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4box में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट, नॉनस्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाए मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट, नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में। दर्रे जमनी पाली, जेलगांव, CS-based पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 7869222258। NXT is the new MPEG 4box, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4box में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट, नॉनस्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाए मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें
इन नंबरों पर 9425544738, 8818144018। NXT Digital New MPEG 4-Box जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण NXT MPEG 4-Box में साथ में देखिए लोकल न्यूज छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाए मौके का फायदा। संपर्क करें फिम सैटेलाइट एंड केबल टीवी, मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। साहब, मैंने अपनी पत्नी को जान से मार दिया है क्योंकि उसका चरित्र खराब था। पति ने शक पे पत्नी की हत्या कर दी और खुद पुलिस चौकी फोन किया। पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना कोरबा जिले के उप पुलिस थाना हरदी बाजार के ग्राम रामपुर का है। पुलिस ने बताया कि ग्राम रामपुर निवासी जयपाल बंजारे ने पत्नी सोम कुंवर की हत्या कर दी। हत्या के बाद पति ने खुद पुलिस को मामले की सूचना दी। सूचना बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसने पत्नी की हत्या इसलिए की क्योंकि पत्नी के चरित्र पर संदेह था। इस बात पर दोनों के बीच विवाद हुआ और हत्या कर दी। पुलिस ने पति के विरुद्ध हत्या का अपराध दर्ज कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही आरोपी को जेल दाखिल कराया गया। घटना रात के हुआ, उसके बाद फोन किया पुलिस वाला को। लड़के ने फोन करके पुलिस वाला को फोन किया तो घर आए जो जयपाल नाम है। अच्छा, वही जयपाल। हाँ, उसका पति जो महिला का पति है वही फोन किया। हाँ, वही फोन किया पुलिस वाले को। फिर पुलिस वाले घर में आया। फोन किया उसमें कि पुलिस वाले मैं ऐसे ऐसे घटना कर चुका हूँ तो अमुक जगह कब पहुँचो, ऐसे टाइप के मतलब फोन किया उसको। उसके बाद पुलिस यहाँ पर पहुँचे। पहुँचने के बाद पुलिस जो स्टाफ है उन लोग मेरे चाचा को फोन किया। वो डीपका में रहता था तो डीपका से वो थॉमस स्कूल में काम करता है गार्ड का। उसके बाद हम लोग को फोन किया, वहाँ से पता चला तो पुलिस वाला तरफ से चाचा हम लोग को फोन किया परिवार वाले को तो ऐसे ऐसे हो गया है, तुम लोग पूरा परिवार को मतलब इकट्ठा होकर रेडी रहना, मैं आ रहा हूँ। उनका नाम है सोन कलर। वो लड़का हमार दारे पुलिस वाला है इसने तो मोला फोन करीस तो 1:30 बजे फोन करीस तो मैं 2 बजे के आसपास घर पहुँच गया। मोर बेटा बहुरिया घर में रहते रही। कहाँ? यहीं रामपुर में। मैं हकर कुछ समझ ही नहीं पाऊँ। मैं तो 3 साल से ऊपर होके वहीं ला हूँ। मैं लड़का कहीस का पुलिस वाला लोग मैं मर्डर कर दा रहे हूँ कहके फोन करके वही बताई। हाँ, तो पुलिस वाला लोग खुद लेके आई सावे। आए के बाद वह मतलब पुलिस वाला है मोला यहीं घर में आके मोला फोन करी थी तुम्हें जल्दी आओ ऐसे ही के। यहाँ तो उमन मोला 1:30 बजे के आसपास फोन करी रात्रि के। हरदी बाजार चौकी क्षेत्र में रामपुर नाम का गांव है। तो रात को सूचना मिली, वो खुद व्यक्ति एक व्यक्ति है देवपाल बंजारे नाम का, वो अपनी वाइफ को मार दिया और खुद ही फोन करके सूचना दिया कि मैं मर्डर कर दिया हूँ। वहाँ पर मौके पर पुलिस गई और उसमें अपराध कायम किया गया है 0 में 302 का और आरोपी हमारे कस्टडी में है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।